चलो बच्चों जल्दी करें, हमें देर हो रही है। बस एक मिनट मम्मी, हम आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी से चलो, नहीं तो पंछी बस छूट जाएगी। जंगल में अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए हैं और उनका रिजल्ट भी आ गया है। गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए रानो अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के यहाँ जा रही है। मम्मी हमें भी नानी के घर जाना है। नहीं बच्चों, इस साल हम नहीं, अभी थोड़े ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। मुझे और तुम्हारे पापा को बहुत सारे काम हैं। मुझे अनाज जमा करना है और पापा को हमारा घोंसला बारिश के लिए मजबूत करना होगा। चाहो तो तुम दोनों भी हमारे काम में मदद करो। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी जग्गू वहाँ पर आ जाता है। अरे जग्गू बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या इस साल तुम अपनी नानी के यहाँ छुट्टियाँ बिताने के लिए नहीं गए? नहीं आंटी, मम्मी और पापा हमारे घोंसले को पक्का करने में काम में लगे हुए हैं, इसीलिए इस साल हम नानी के यहाँ नहीं जाएंगे। मैं अपने घर में बैठकर बहुत बोर हो रहा था तो मैं खेलने के लिए बाहर आ गया, लेकिन बाहर तो कोई भी खेलने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। क्या मैं, सोनू और पिंकी खेलने के लिए बाहर जाएं? हाँ हाँ क्यों नहीं, यहीं पास में ही खेलना। तब तक मैं तुम सबके लिए कुछ चटपटा खाने के लिए बनाती हूँ। तीनों बाहर आ जाते हैं। चलो चलो दोस्तों, हम सब छुपम छुपाई खेलते हैं। चलो चलो तीनों खेल ले, हम तुम तीनों छुपम छुपाई खेलते हैं। फिर तीनों बच्चे छुपम छुपाई खेलने लगते हैं। छुपम छुपाई खेलने के बाद सबको भूख लग जाती है। भैया मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना हम घर चलते हैं। ठीक है पिंकी चलो। अरे दोस्तों, घर का खाना तो हमने कभी खा ही नहीं सकते, अभी आम का सीजन चल रहा है, क्यों ना हम मीठे मीठे आम खाने के लिए चलें? लेकिन हमारे जंगल में तो एक भी मीठे आम नहीं है, वो सारे खट्टे आम के पेड़ हैं। इसीलिए तो हम हमारे जंगल से बाहर किसी इलाके में जाएंगे, वहाँ पर हमें बहुत सारे मीठे आम के पेड़ मिलेंगे। चलो चलो हम सब चलते हैं। नहीं रे बाबा, हमें जंगल के बाहर नहीं जाना चाहिए, माँ ने हमें यहीं घर के पास खेलने के लिए कहा था। अरे कुछ नहीं होता डरपोक कहीं के, हम थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे, और वैसे भी हम कहीं ना कहीं तो बड़े हो ही गए हैं, और तब हमें सब कुछ अपने आप ही करना चाहिए, क्यों ना हम अभी से डर का सामना करें। अगर ऐसी बात है तो चलो हम जल्दी जाकर वापस आ जाएंगे, लेकिन साथ साथ रहना, इधर उधर उड़कर अकेले जाना नहीं कहीं। फिर तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर लाडो किचन में बिजी हो गई, उसने भी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बल्लू भी घोंसला पक्का करने का सामान लाने के लिए बाहर गया हुआ था। जब तीनों जंगल से बाहर जा रहे थे तभी मीनू मौसी और टुनटुनी चिड़िया ने उन्हें देख लिया। जब तीनों बाहर जा रहे थे तभी मीनू मौसी और टूनी चिड़िया ने उन्हें देख लिया। अरे मीनू मौसी, वो देखिए, सोनू पिंकी और जग्गू जंगल से कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें उन्हें रोकना चाहिए। जाने दे टूनी, हमें क्या करना, क्या उनके माँ बाप उनकी चिंता नहीं करते? हमें क्या बस यही काम रह गया है? जब कुछ अनहोनी हो जाएगी ना तब उन्हें पता चलेगा। तू इधर उधर मत ध्यान दे, बस पंखा चला। इधर तीनों जंगल से बाहर आ जाते हैं और मीठे आमों के पेड़ों को ढूंढने लगते हैं। उन्हें आसपास कहीं पर भी आम के पेड़ नहीं मिलते। चलो चलो दोस्तों, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तीनों और आगे निकल पड़ते हैं। मीठे आमों के चक्कर में वो अपने जंगल से बहुत दूर गए हुए थे। थोड़ा और आगे आने पर उन्हें नंदी के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई दे जाता है और वो सब उसके पास आ जाते हैं। तीनों एक एक आम तोड़ लेते हैं और मजे से खाने लगते हैं। अरे वाह, आम तो बहुत मीठे हैं। देखा है दोस्तों, हमारी मेहनत का फल, वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। यह आम के फल कितने मीठे हैं। हाँ हाँ जग्गू, लेकिन अब हमें घर जाना चाहिए, थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी और हम उसके बाद
अंधेरे में अपने घर कैसे जा पाएंगे? अंधेरा, अरे बाप रे अंधेरा, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे बच्चों को घर के अंदर बुलाना होगा। लाडो घर के बाहर जाती है, तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। वह घर के आसपास बच्चों को ढूंढने लगती है। उसे बच्चे दिखाई नहीं देते। अरे ये बच्चे कहाँ गए हैं? मैंने तो उन्हें घर के आसपास ही खेलने को बोला था। लाडो के घर के पास में ही बुलबुल चिड़िया का भी घोंसला था। लाडो उसके पास जाती है। अरे लाडो, तुम यहाँ कैसे आई हो? बुलबुल बहन, क्या तुमने सोनू, जग्गू और पिंकी को कहीं देखा है? वो मेरे घर के पास में ही खेल रहे थे। नहीं लाडो, मैं तो अभी अभी घर आई हूँ। मैं अनाज लाने के लिए बाहर गई हुई थी कि अचानक बारिश शुरू होने की वजह से मुझे घर आना पड़ा। बारिश और तेज हो जाती है, इधर बच्चे बारिश में फंस जाते हैं। अरे बाप रे, ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? अब हम घर कैसे जाएंगे? अरे चिंता मत करो, बारिश कम होते ही हम घर चले जाएंगे। लाडो बारिश में भीगती हुई कालू और गौरी के घर आ जाती है। लाडो तुम यहाँ कैसे आई? लाडो सारी बात गौरी और कालू को बताती है। मुझे लगा बच्चे तुम्हारे घर आ गए होंगे। जग्गू, मेरे बेटे तीनों कहाँ निकल कर गए होंगे? बच्चों को ढूंढने के लिए वो तीनों निकल पड़ते हैं। इधर बच्चे बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक शिकारी चील आ जाता है। वो उनको पकड़ने ही वाला था कि तभी तीनों वहाँ से भाग निकल पड़ते हैं। तेज बारिश की वजह से वो उड़ नहीं पाते और नदी में गिर जाते हैं। नदी में गिरते ही जग्गू को एक बड़े पेड़ की डाली मिल जाती है और वह उस पर जैसे तैसे करके चढ़ जाता है। अरे जग्गू, हमारी भी मदद करो, हमें भी ऊपर ले लो। भैया भैया, मुझे बचाओ। जग्गू उनकी मदद नहीं करता। नदी आगे जाकर दो भागों में बट जाती है। जग्गू जिस डाली पर बैठा था वह डाली उसी जंगल की तरफ चली गई और सोनू पिंकी दूसरी दिशा में बह गए। कालू, गोरी और लाड़ो और मीनू मौसी के पास आ गए। मीनू मौसी, गोरी, इधर गोरी और लाड़ो मीनू मौसी के पास आ गए। मीनू मौसी, क्या आपने हमारे बच्चों को देखा है? क्या वो आपके पास आए थे? नहीं नहीं, वो यहाँ क्यों आएंगे? मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। अरे मीनू मौसी, क्या आप भूल गयी? हमने सुबह उन तीनों को जंगल के बाहर जाते हुए देखा था। अरे बाप रे, अब क्या होगा? कहीं उन्हें कोई शिकारी पंछी ने तो नहीं खा लिया? ऐसा मत कहो गोरी, हमारे बच्चे हमें मिल जाएंगे। तुम्हारे बच्चों ने ही तो मेरे बेटे को बहला फुसला कर बाहर ले गए हैं। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस नदी में जग्गू बहकर जा रहा था वो नदी मीनू मौसी के घर के पास से ही गुजरती थी। सारे घोंसले के बाहर आते हैं, तभी टूनी को जग्गू दिखाई देता है। अरे वो देखो जग्गू। सारे उसके पास आ जाते हैं। मेरी बेटी तो ठीक है ना? तो कहाँ चला गया था जग्गू? बेटा, सोनू और पिंकी कहाँ हैं? जग्गू सारी बात उन सबको बताने लगता है। मम्मी, वो दोनों मुझे जबरदस्ती जंगल के बाहर ले गए थे। हम जब वापस आ रहे थे ना, तो बहुत तेज बारिश की वजह से हम नदी में गिर गए मम्मा, और मैं तो जैसे तैसे करके इस डाली पर बैठ के आ गया, लेकिन वह दोनों दूसरी दिशा में बह गए मम्मा। मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की। जग्गू को ऐसा कहते ही लाडो रोने लगती है। सोनू, पिंकी, चलो हम ऐसा कहते ही लाडो रोने लगती है। सोनू, पिंकी, चलो जग्गू, हम घर चलते हैं। अरे गोरी, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? हमें सोनू और पिंकी को भी तो ढूंढना होगा। मैं क्यों ढूंढूं? मुझे तो मेरा जग्गू मिल गया है। मैं तो जा रही हूँ, अगर आपको ढूंढना है तो ढूंढ लो। इतना बोलकर गौरी जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है। बारिश भी थोड़ी कम हो गई थी। इधर बच्चे पानी में बहते हुए अपने जंगल से बहुत दूर आ गए थे। वो जिस जंगल में आ गए थे उसी जंगल में रानू चिड़िया की माँ का भी घोंसला था। रानू के बच्चे बारिश में पानी में खेल रहे थे, तभी उनकी नज़र सोनू और पिंकी पर पड़ जाती है। अरे भैया, वो देखो, सोनू और पिंकी।
रानों के बच्चे उन दोनों को पानी में से वो बाहर निकाल लेते हैं। फिर तब तक रानो भी वहाँ पर आ जाती है। अरे बच्चों, ये सब कैसे हो गया? सोनू और पिंकी रानो को सारी बात बताते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। लाड़ो, तुम दोनों को ढूंढ रही होगी। चलो मैं तुम्हें हमारे जंगल से लेकर चलती हूँ। रानो उन दोनों को लेकर निकल पड़ती है। इधर लाड़ो और कालू अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। थोड़ी ही देर बाद सारे एक जगह आ जाते हैं। लाड़ो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जब कालू को सच्चाई का पता चलता है, तब वह जग्गू को उन दोनों से माफी मांगने को कहता है। जग्गू उन दोनों से माफी मांगता है और बच्चों सबसे कहते हैं वह अपने मम्मी पापा को बिना बताए घर से कभी भी दूर नहीं जाएंगे। मेरी बच्ची, आज तुम्हारा पहला दिन है अपने दम पर बाहर जाने का, और मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। तुम चाहे कितने भी बड़ी हो जाओ, जब तक तुम खुद से बाहर के तौर तरीके नहीं जानोगी, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा ही दिन था जब मेरी माँ ने अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे पहले ही दिन दाना लाने भेजा था, और मैंने अपने माँ की आशाओं को पूरा किया था। ऐसे ही तुम्हें भी मेरी आशाओं पर पूरा उतरना है। तुम्हें घर से बाहर तरह तरह के पक्षियों से वास्ता होगा। किसी अजनबी पर विश्वास ना करना, झूठ नहीं बोलना। जब भी तुम्हें अपनी आशाओं से बढ़कर दाना मिले, तो समझ लेना इसमें कोई खतरा है। दूसरों को बुरा कहने से अच्छा है कि पहले तुम्हें खुद पहचान हो अच्छाई और बुराई की। हर किसी से दोस्ती नहीं करनी है। अगर जिंदगी में तुम्हें कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, तो कभी भी उसके विश्वास को आहत मत पहुंचाना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने सुनी थी अपनी माँ से, वो मैंने तुम्हें बता दी। बाकी समय तुम्हें खुद सिखा देगा। जी मम्मा, मैं आपके विश्वास पर पूरा उतरूंगी और ये साबित करूंगी कि मैं एक अच्छी माँ की बेटी हूँ। अब मैं जाऊँ? हाँ बेटा, अब तुम जा सकती हो। और फिर सोनी चिड़िया दाना की तलाश में पहली बार अपने घर से निकल जाती है। जंगल कितना खूबसूरत है, मैं आज पहली बार अपनी माँ के बगैर उड़ रही हूँ। हाय। हेलो, आ जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, मुझे थोड़ी दूर तक जाना है, आज मेरा पहला दिन है जंगल में। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय। हाँ, यहाँ बैठकर थोड़ा सांस ले लेती हूँ, ये जगह ठीक है, यहाँ से सब नजर भी आ रहा है। छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा आज पहला दिन है दाना लाने का, और मुझे पूरब की तरफ जाना है। बस थोड़ा सा आराम करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। ये पेड़ मेरा है, तुमने देखा नहीं, इस पर मेरा घोंसला है। जी देखा तो है, लेकिन मैं कौन सा इस पेड़ को अपने साथ लेकर जा रही हूँ? ज्यादा बातें मत सुनाओ, चुपचाप यहाँ से उड़ जाओ। ठीक है, मेरी माँ ने घर से निकलते समय ही मुझे बता दिया था कि बेटा तुम्हें अच्छाई और बुराई दोनों मिलेगी, लेकिन मुझे अपनी नैतिकता से साबित करना होगा कि मैं एक अच्छी माँ की बेटी हूँ। और फिर सोनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। अच्छी खासी लड़ाई करने का मौका मिला था, लेकिन बेचारी चिड़िया यहाँ से तो भाग ही गई। उड़ते उड़ते सोनी चिड़िया बहुत दूर निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नजर नहीं आ रहा था। फिर वह कुछ और दूर जाने का निर्णय लेती है। वह देखो, सामने छोटी चिड़िया अकेली आ रही है, क्यों ना इसे शिकार बनाया जाए। लेकिन उसे विश्वास में लेने के बाद। हाँ, वो तो मैं पूरा एक्टर हूँ इस काम में। वेलकम वेलकम छोटी चिड़िया, आ जाओ थोड़ा आराम कर लो। आप यहीं के वासी हो? हाँ हाँ छोटी चिड़िया, हमारा घर इधर पास ही में है। क्या तुम अकेली हो? नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। क्या, तुम तो अकेली दिख रही हो। मेरे साथ मेरी माँ की नसीहतें और प्यार है। आज मैं अकेली निकली हूँ अपने घर से दाना लाने के लिए। तुम कहाँ से आई हो? नदी के पास है हमारा घर, जिसमें मैं और मेरी मम्मा रहती है। तुम तो काफी दूर निकल आई हो। हाँ, अभी तक कहीं से भी दाना नहीं मिला, इसलिए कुछ ज्यादा ही दूर निकल आई हूँ। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा मेरे साथ हमारे घर आना? नहीं, मेरी माँ ने कहा था कि किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना। मैं आपके पास बैठी आपकी बात सुनी, लेकिन मैं किसी अजनबी के साथ उसके घर नहीं जा सकती। चिड़िया जो हो तुम, डरपोक चिड़िया। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मेरे लिए अजनबी हो, इसलिए मैंने ऐसा कहा। नदी के पास वो जो दो पेड़ एक साथ है, उसी पर घोंसला है ना तुम्हारा? हाँ हाँ वही है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला?
तुम मुझे पहचानती ही नहीं। जब तुम बहुत छोटी थी तब मैं तुम्हारे मम्मा के यहाँ गया था। तुम्हारी मम्मा हमारे जान पहचान के हैं, तुम तो हमारी अपनी ही निकली। अब तो आ जाओ, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें दाना भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे खुद से ढूंढना है। यहाँ तक जो आ गई हो तो खुद से ही ढूंढना हुआ ना। अगर यहाँ पर ही कुछ खाने को मिल जाए तो बेहतर है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये बहुत जिद्दी है, छोड़ो इसे, ये नहीं आएगी हमारे साथ। ए, भाग जाओ यहाँ से। अगर साथ नहीं जाना है तो मैं क्यों दूँ तुम्हें दाना। क्या हुआ, अभी तो तुम मेरी मम्मा के जानने वाले थे, अब तुम मेरे दुश्मन बन गए। बस तुम जा सकती हो। और सोनी चिड़िया वहाँ से भी आगे निकल जाती है। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। हम इस जंगल में नए आए हैं, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा भी था। वहीं पीछे दो उल्लू बैठे हुए थे एक पेड़ पर। उन्होंने कहा वो मेरे मम्मा पापा को जानते हैं और मुझे अपने घर की तरफ ले गए और मेरे बच्चे को कैद कर लिया। मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उड़ गई, लेकिन मेरा बच्चा वो मार देंगे, मेरे बच्चे को वो मार देंगे। तुम हौसला रखो, लेकिन तुमने उसके घर जाकर बहुत बड़ी गलती की है। और सोनी चिड़िया दिल ही दिल में खुश होती है कि उसने उन उल्लुओं की बातें ना मानकर कितना अच्छा निर्णय लिया। तुम कौन हो बेटा और कहाँ जा रही हो। मेरा नाम सोनी है और मैं पहली बार घर से दाना लेने निकली हूँ, लेकिन मुझे अभी तक दाना नहीं मिला। मेरे साथ जो हुआ वो मेरा भाग्य है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास कुछ दाने और कुछ फल भी हैं, तुम इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाओ। मैं तो यहाँ अपने बेटे की आस में बैठी हूँ कि शायद उन उल्लुओं को मेरे बेटे पर दया आ जाए और वो उसे छोड़ दे। हम कमजोर हैं और वो उल्लू सब इकट्ठे हो जाते हैं, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। आपके साथ जो हुआ वो मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। उन उल्लू ने मुझे भी रोका था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए। जाओ बेटा अपनी माँ के पास, वो परेशान होगी। थैंक यू आंटी। और सोनी चिड़िया तोते से ढेर सारे फल लेकर वहाँ से चल देती है। वह अपनी खुशी पर काबू नहीं कर पा रही थी और बहुत तेज उड़ रही थी। वह अपनी मम्मा को दिखाना चाहती थी कि उसने कैसे पहले ही दिन इतना सारा दाना इकट्ठा कर लिया। जल्द ही वह अपने घर के करीब आ जाती है। वह छोटा सा फूल उस चिड़िया को मुस्कुराहट देता है, बदले में सोनी चिड़िया भी उस फूल को मुस्कुराहट देती है। मम्मा मम्मा, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। देखो मम्मा, मैंने पहले दिन ही दाना ढूंढ लिया और वो भी ढेर सारा। और फिर सोनी चिड़िया अपनी मम्मा को रास्ते के सारी बात बताती है कि कैसे फूल ने उसे मुस्कुराहट दी, कौवे ने लड़ाई करना चाहा, उल्लू ने उसे कैद करना चाहा, और एक दुखी तोती ने कैसे सारा अनाज उसे दिया। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से बहुत ही संतुष्ट और खुश हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी अब घर से बाहर जाकर उसके लिए दाना ला सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने मम्मा पापा की बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी अजनबी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर सोनी चिड़िया उन उल्लुओं की बातों में आ जाती तो कभी भी वह अपने मम्मा के पास वापस नहीं आ सकती। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।